मैडम आज ये पुतला भोगा किस लिए भोगा, किसका भोगा? विरोध किए हैं जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है, इसे वंचित किया जाए इन्हें। इन्होंने बहुत मतलब बहुत इतनी लोगों की शहादत को मतलब बिल्कुल ऐसे कह दिया कि भीख में मिली है, हमें कहीं आजादी भीख में मिली है। गांधी जी की जितनी कुर्बानियां दी हैं और 2014 में 2014 के बाद जो हमें आजादी मिली है वो उसे सही समझती है। अब आप क्या चाहती है मैडम? हम ये चाहते हैं कि उनका पद्मश्री अवार्ड जो है उनसे वापस लिया जाए। इस तरह की विचारधारा वाली महिला के साथ मतलब उनको पद्मश्री के लायक नहीं है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, प्रदेश सचिव सुशीला कोहली, महिला कांग्रेस कमेटी। क्योंकि उन्होंने जो बोला है बहुत गलत बोला है कि शहीद हुए थे वो हमारे भीख में मिली आजादी, तो हमें भीख नहीं मिली है, हमने आजादी हमारे जो शहीद हुए थे और जो हमारे समाज में जो हर उसमें जो सबने बलिदान दिया, तो ये कहाँ भीख में हो गए? क्योंकि जो इतना बलिदान देते इतना समाज के लिए, हमारे जो सरहद पे खड़े होते हैं हमारे, और हमारे मीडिया भाई भी, मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया भाइयों के लिए बोल रही हूँ, हर जगह अपनी जान पर खेल कर हर जगह निकालते हैं और मैं आगे के हमारी खबर सबके लिए पूछाते भी हैं। और पुलिस प्रशासन ने आज हमने ये जो मुर्दा फूका है कंगना रावत का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आजादी मिली है हमें के भीख में मिली है, तो ये भीख में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें उसको सजा मिले और उनका जो पुआ है मिला हुआ पर जो कांग्रेस से है मैडम। जी हाँ, सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में किताब के बारे में मालूम है आपको? अभी तो इतना मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी, तो इसलिए नहीं है, भटकना भटकाना नहीं है क्योंकि तबीयत खराब थी तो मैं बीमार थे और आज हमने ये पुतला फूका है। क्योंकि आजादी जो दी है, जो हमारे भाई सरहद पे रहते हैं, जो हमारे देश वालों ने किया है, जो हमारे कांग्रेस समाज ने पार्टी ने किया, तो आजादी से ही मिला है हमें, कोई भीख में नहीं मिला हमें।